जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो? आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आपको ना मेरी आवाज के साथ में बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही होंगी, क्योंकि ये रात का समय हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे के टाइम पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब घर में कूलर पंखे चल रहे हैं तो आपको आवाजें थोड़ी सी आ रही होंगी, और मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, छत पे जाकर अगर वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ लाइट नहीं है और आसपास डीजे चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शादी का माहौल है। मैं कब तक वीडियो ना बनाऊं, है ना? अगर मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देती तो फिर आप लोगों के मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आने लगते हैं कि दीदी कहाँ हो, क्या हो गया, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, है ना? आप लोगों को टेंशन हो जाती है। आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है कि हाँ, आप सब मेरा परिवार हो। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ वही लोग हैं जो माँ काली से जुड़े हैं, और जो माँ काली के हैं वो मेरे हैं। माँ काली का परिवार मेरा परिवार। और मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की भी कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी सी दब जाए और आपको थोड़ी अच्छे से मेरी आवाज आए। अभी देखते हैं, नहीं आएगी आवाज तो बता देना, मैं इसी वीडियो को वापस से रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि दिन में वीडियो बनाने की कोशिश की थी, दिन में भी नहीं बनते, वो दिन भर ढोल डीजे बजाते हैं, शादियों का सीजन है ना, क्या करें, ठीक है? चलो मैं प्रश्न ले लेती हूँ। मैंने माँ काली को कैसे पाया की सीरीज में चला रही हूँ, और आप सभी उन पर अपने प्रश्नों को पूछते हैं जिनका उत्तर मैं आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देती हूँ। कभी कभार लाइव भी आती हूँ, लाइव में भी मैं आपके प्रश्न के उत्तर लेती हूँ, आपको आपकी समस्या का समाधान देती हूँ, ठीक है? तो आज भी मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें भी कुछ प्रश्न लिए थे, लेकिन वो डीजे स्टार्ट हो गया था, इस चक्कर में मैंने वो वीडियो बंद कर दिया। तो चलो मैं प्रश्न ले लेती हूँ। और हाँ, मैंने माँ काली को कैसे पाया, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको उन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप ये कहूंगी कि अभी तक माँ काली से अगर आप 2% जुड़े हो ना, तो मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि आप उस 1% से 10% से बढ़कर आप सीधे 60 और 70% पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप मेरे हुए बताए हुए जो उपाय हैं उनको करते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, अगर आप उस तरीके से माता काली की पूजा करते हैं, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप माँ को पालेंगे जैसे मैंने माँ को पाया है। मैंने माँ काली को कैसे पाया, इसमें जो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ अपनी, ये समझो कि मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। मैं अपनी परीक्षाएं आपको नहीं बताना चाहती, मुझे अभी मनाही है परीक्षा बताने की, ठीक है? इसलिए बहुत शॉर्ट में जितना आपको जानना जरूरी है सिर्फ उतना बताती हूँ। जिस दिन मैं आपको अपनी परीक्षाएं बारीकी से बताऊंगी ना, मुझे लगेगा आप ये बोलोगे दीदी आप जिंदा क्यों हो, आप उस कंडीशन में जिंदा कैसे रही? और आज देखो आप माँ की भक्ति का तेज, माँ का नूर। चलो मैं शुरू करती हूँ, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ। क्या पता आपको आवाज आ भी रही है नहीं, वो तो मैं बाद में चेक करूंगी। अगर आवाज सही रहेगी तो अपलोड करूंगी, नहीं रहेगी, नहीं आएगी आवाज, तो फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगी वीडियो को। आप लोगों के भी बड़े नखरे हैं, जैसे मेरी मैया के नखरे हैं। मैया नखरे नहीं करती, तो बातें हैं लोगों की। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न मेरे पास आया है, @स्टेटस करके कोई चैनल बना रखा है इनने, इनका प्रश्न आया था मेरे पास। आप मेरे सपने में बार बार आती हैं, और मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दे चुकी हूँ अपने फर्स्ट चैनल में भी, और सेकंड चैनल में भी एक दो बार दे चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। अगर कोई एक बार मेरे वीडियो को देख लेता है, या जिसे मैं टेलीग्राम पर जवाब दे देती हूँ, या जिससे मेरी किसी भी तरीके से बात एक बार हो जाती है, उसे मैं सपने में बार बार दिखाई देती हूँ। अगर मैं दिखाई नहीं दूंगी तो उसे मेरी जो मेरे पास माँ काली की प्रतिमा है, उसे वो सपने में दिखाई देती है। तो अगर आपको मेरी माँ दिख रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत शुभ संकेत है। लेकिन अगर आपको मैं सपने में बार बार दिखाई दे रही हूँ तो भी ये शुभ संकेत है। अब मैं सपने में दिख रही हूँ इसलिए शुभ संकेत नहीं है, शुभ संकेत इसलिए है कि आपको मेरे रूप में माँ काली दर्शन दे रही है। ऐसा
सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपका नाम नहीं पता मुझे, ऐसा हजारों के साथ है, हजारों के साथ। और जिन लोगों के साथ हुआ है ऐसा वो मुझे आप कमेंट में बताओ। बहुतों के साथ ऐसा हुआ जिन्हें मैं बार बार सपने में दिखाई देती हूँ, कभी मैं कभी मेरी माँ, हम दोनों ही चलते रहते हैं लोगों के सपने में, क्योंकि माँ कभी खुद पहुंचती है कभी मेरे रूप में दर्शन देने पहुंच जाती है, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हो, आप लोग मेरा परिवार हो, तो ये एक शुभ संकेत है, ठीक है। क्योंकि माँ मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं और माँ हम तो दो दिल, क्या बोलते, दो शरीर है लेकिन एक जान है, मुझे वो बोलना नहीं आ रहा, वो कुछ डायलॉग था एक, ठीक है। तो चलो अब मैं दूसरा प्रश्न ले रही हूँ सुमन कुमारी का। इनका जो प्रश्न है ये माता काली के 9 शनिवार के व्रत को लेकर है। ये कह रही है कि अगर बीच में खंडित हो जाए, व्रत की पूछ रही है, अगर बीच में खंडित हो जाए तो महीने में एक शनिवार तो छूट ही जाता है, तो क्या इस तरीके से व्रत खंडित नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस तरीके से व्रत खंडित होने लगा इसका मतलब कोई भी महिला व्रत ही नहीं कर पाएगी। अगर आपके व्रत के बीच में आपका पीरियड टाइम आ जाता है, आपका मासिक धर्म आ जाता है, तो आप उस शनिवार को छोड़ दीजिए। आप अगले शनिवार से, जो जैसे आपका पांचवें शनिवार के बीच में आपका मासिक धर्म आ गया, तो आप उसको छोड़ के अगले शनिवार पांचवा शनिवार करिए, ठीक है, व्रत खंडित नहीं होगा। इस समय महिलाओं को छूट होती है, आप पूजा वूजा नहीं करनी होती है, लेकिन आप मानसिक जाप इस समय में कर सकते हैं। ये विशु भी अभी भूख रहा है, आवाज आ रही है आपको मेरे कुत्ते की? यही दिक्कत होती है, मैं दिन में वीडियो बनाती हूँ तो दिक्कत, और रात में वीडियो बनाऊँ तो दिक्कत, एक मिनट में इसको चुप करा के आती हूँ, अब वापस से ना भूखने लग गए, इसको चुप तो करा दिया मैंने। चलो तो मैं बोल रही थी कि आपका अगर मासिक धर्म शनिवार के दिन आ जाता है या शनिवार के बीच में आपका मासिक धर्म रह जाता है, तो फिर आप क्या करना है, आपको वो वाला शनिवार छोड़ देना है और आप अगले शनिवार से अपना व्रत लीजिए, ठीक है, आपका व्रत खंडित नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप स्टेटस पॉइंट 2। ये बोल रहे हैं माँ आप इंस्टाग्राम नहीं चलाती हो क्या? नहीं बेटा, ना मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, ना मैं फेसबुक चलाती हूँ, और भी कोई ऐप होती है क्या, वो स्नैपचैट भी होती है, वो भी मैं नहीं चलाती, मैं कुछ नहीं चलाती। मैं यूट्यूब पर भी अकाउंट नहीं था मेरा पहले, मैं टेलीग्राम भी नहीं चलाती थी। फिर मुझे मेरे गुरुजी ने कहा कि आपके पास आपकी माँ का जितना ज्ञान है उसे लोगों में दो, तुम्हारा काम है लोगों के अंदर भक्ति जगाना, माँ काली के प्रति जो लोगों के मन में एक डर भरा हुआ है उसको दूर करना। फिर उनकी आज्ञा पर मैंने फिर ये यूट्यूब चैनल बनाया था फर्स्ट वाला, है ना। तो बस, और फिर जब आप लोगों की समस्याएं मेरे सामने आने लगी तो उसके समाधान के लिए मैंने फिर टेलीग्राम बनाया था, है ना। तो मैं नहीं चलाती हूँ, भविष्य में देखेंगे कभी अगर ऐसा हुआ तो चलाने का, वैसे जरूरत क्या है, क्या फायदा इंस्टाग्राम चलाने का मुझे जरा बता देना। टेलीग्राम पे भी बातें होती हैं, इंस्टाग्राम पे भी बातें होती हैं, तो आप मुझे यहाँ प्रश्न पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हो, है ना। मैं वीडियो बना के जवाब दे ही सकती हूँ, लाइव में दे देती हूँ। अब कुछ इंस्टाग्राम का कुछ अलग कुछ हो तो मुझे बता देना, मैं देखेंगे, बनाएंगे वीडियो, मतलब बना लेंगे अकाउंट, मुझे ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है सिमरन कौर का। जो कलश का नारियल है वो उसी दिन उठा लेना है, और जो कलश का पानी है उसका क्या करना है? हाँ, कलश का नारियल जैसे कि आपने पूजा कर ली तो एक दो घंटे बाद जब आपका दिया शांत हो जाए, आपका जो होम करेंगे आप, अंगारी पर माँ को भोग देंगे, जब वो शांत हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, उसके बाद आपको पूजा का सामान वहां से हटा लेना है, नारियल को उठाकर आपको अपने मंदिर में रख देना है, और अगले शनिवार को फिर वही नारियल आपको वापस से यूज करना है। अब रहे कलश के पानी का क्या करना है, उस कलश के पानी का आपको पूरे घर में पहले तो छींटा मार देना है, छींटा मारने के बाद आप उस कलश के पानी को पेड़ में डाल दीजिए, केले के पेड़ में या किसी वृक्ष को, फूल वूल का पेड़ हो उसमें डाल दीजिए, लेकिन तुलसी के में मत डालना, ठीक है। अगला प्रश्न है वीरेंद्र रस्तोगी का। दीदी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसी गुरु को अपने चेले से छल कपट करना चाहिए क्या? अपने चेले को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए क्या? पहली बात तो आप जिसके भी बारे में बोल रहे हैं, ये जो भी गुरु हैं, फिर आप गलत गुरु के झंझट में पड़ गए हैं। पहली बात तो गुरु को कभी किसी से मतलब ही नहीं होता, ये कि अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज कर रहे हैं, गुरु को जरूरत नहीं होती। इसलिए आपसे बोलते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, लेकिन आप इतनी हड़बड़ी करते हो गुरु बनाने में कि क्या कहें। आप गुरु बना लिए, अब आपको लग रहा है कि आपके साथ छल कपट हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो अब आप गुरु के प्रति मन में भाव लेके आ रहे हैं,
और फिर वही आप पाप के भागी बन रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए गुरु पूरे जीवन में एक बार गुरु बनाए जाते हैं, गुरु बार बार नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल तो भगवा चोले के पीछे भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, छोड़िए। मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आपके गुरु इस तरीके से हैं तो फिर आपने भाई गलत गुरु का चुनाव कर लिया है ना। लेकिन एक चीज और बोलूंगी, हो सकता है आपके गुरु आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हो, वो देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो क्या इसके भाव मेरे प्रति बदलेंगे, इसकी क्या सोच रहेगी। आप गुरु के प्रति कितना समर्पित है, मैं हमेशा बोलती हूँ। जैसे माता काली दुनिया का भला कर रही है, लेकिन अगर उसने किसी का बुरा कर दिया तो उसकी, हम तो माता काली की पूजा नहीं करेंगे, हमारे साथ उसने ऐसा कर दिया। हो सकता है माता काली आपकी परीक्षा ले रही हो, आपके साथ ये सब करके वो देखना चाह रही हो कि विषम परिस्थिति में ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, ये मेरे को पूछता है कि नहीं कि मैं इसके संग अच्छी अच्छी रहूंगी तभी मुझे, जब तक मैं इसको दूंगी तब तक ही मेरी पूजा करेगा ऐसा। तो हो सकता है आपके गुरु आपकी परीक्षा ले रहे हो, तो आप उनके प्रति मन में किसी प्रकार का जो भी है विचार है वो मत लेकर आइए, जो भी है ईश्वर पर छोड़ दीजिए, है ना। बाकी आपके गुरु जाने और आप जाने कि आपने किसको गुरु बनाया, लेकिन मैं कहूंगी कि गुरु कभी इस तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो परीक्षा ले रहे हैं तो परीक्षा में गुरु कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है, कंडीशन फंसती है कि अगर ऐसी नौबत आए कि आपको आपके गुरु के लिए जान देनी पड़े, तो बिल्कुल बेझिझक आप गुरु के लिए जान दे दीजिए। आप कितने भी पापी हो, आपके गुरु कितने भी पापी हो, अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हैं तो आप तो वैकुंठ मिलना ही मिलना है। समझिए आप गुरु की क्या महिमा है। मैं कहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में एक बार जो भी आपके गुरु हैं, आप कोशिश करें आप उनको अपने घर में बुलाएं। जब आपके गुरु आपके घर में आए तो आपके तो भाग्य खुल जाएंगे। गुरु के चरण आपके घर में पड़ना, आप गुरु के चरणों को धुलाइए, गुरु को स्वागत करिए, ढोल बजवाइए, घर को सजाइए। जैसे भगवान हमारे घर में आते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। गुरु जब आपके घर में आए तो आप आतिशबाजी करिए, ढोल के साथ उनका स्वागत करिए, उनके ऊपर पुष्प बरसाइए, उनकी आरती करिए, उस तरह जैसे हम भगवान के लिए क्या करते हैं उसी प्रकार आपको गुरु का सम्मान। लेकिन कोशिश जरूर करिए। एक और चीज मैं आपको गुरु के बारे में बताऊंगी कि जब भी आप अपने गुरु से मिलने जाएं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाएं। एक गुरु के दरवाजे पर और एक मंदिर पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमेशा गुरु के लिए आपके पास कोई भेंट होनी चाहिए, फल फूल मिठाइयां होनी चाहिए। जैसे हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते, इसी प्रकार गुरु के सम्मान में हमको कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहिए, ठीक है। एक और लास्ट प्रश्न ले रही हूँ मैं युवराज ठाकुर का। माता काली के साथ शिवजी के मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हीं की अर्धांगिनी है महाकाली, महाकाल और महाकाली शिव शक्ति है। तो अगर आप महाकाली की पूजा करेंगे तो महाकाल तो आपके साथ वैसे ही चल पड़ेंगे, है ना, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, है ना। अगर आप शिव जी के भी उपासक हैं तब भी माता काली आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी, माँ दुर्गा आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी, क्योंकि वो है तो उन्हीं की पत्नी है, तो उन्हीं की अर्धांगिनी। और अगर आप महाकाली की पूजा करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, तब आप शिव जी की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो आपको तो शिव जी को लेकर चलना ही है। अगर आप शक्ति के उपासक हो तो आपको शिव जी को लेकर चलना है। आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। माता काली की पूजा करते हैं तो आपको बिल्कुल अनिवार्य रूप से ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। बस बहुत है आज की वीडियो में, इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय मां काली। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपको जो भी प्रश्न है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट को जरूर लूंगी। जय माता दी, धन्यवाद।